उत्तर प्रदेश में लगाए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, योगी ने किया ये खतरनाक इलाज। देख लीजिए योगी के सामने पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने का क्या हुआ अंजाम। भारत में रहने वाले पाकिस्तान प्रेमियों की उड़ जाएगी नींद। जी हाँ दोस्तों, खुर्शीद अहमद का पाकिस्तान प्रेम एक बार फिर से जागा है। योगी के यूपी में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, पाकिस्तान प्रेमी खुर्शीद को अब पुलिस सिखाएगी सबक। बता दे कि यूपी में जब से योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभाली है, एक से बढ़कर एक तोप माने जाने वाले तमाम गुंडों माफियाओं पर योगी की पुलिस कहर बनकर टूट रही है। एक तरफ जहां गुंडों को जेल भेजा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर भी चलाया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद बसपाई समर्थक खुर्शीद अहमद ने योगी के यूपी में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने की हिम्मत की, वो भी उस आजमगढ़ में जहां से अभी कुछ महीनों पहले दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जीत कर सांसद बने हैं। जिस तरह से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, ऐसा लग रहा था कि पुलिस प्रशासन का कोई खौफ ही नहीं है। दरअसल आजमगढ़ में बसपा की मासिक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें नगर पंचायत चुनाव पर चर्चा भी की गई। इस बैठक में काफी संख्या में बसपा के कार्यकर्ता और नेता शामिल हुए थे, जबकि नई नई बनी नगर पंचायत जहानागंज के चेयरमैन पद के प्रत्याशी पप्पू खान भी अपने सैकड़ों समर्थक के साथ पहुँचे हुए थे। बैठक खत्म होने के बाद पप्पू खान अपने समर्थकों के साथ कस्बे से गुजर रहे थे। आगे आगे नेता और पीछे पीछे पार्टी का झंडा लिए समर्थक नारेबाजी कर रहे थे। इसी दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, जिससे कि हड़कंप मच गया। बता दे कि आजमगढ़ में बसपा ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी। ये वही आजमगढ़ है जहां से साल 2014 में मुलायम सिंह यादव और साल 2019 में उनके बेटे अखिलेश यादव सांसद थे। लेकिन यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव करहल से जीत कर विधानसभा चले गए, जिसके बाद आजमगढ़ की सीट खाली हो गई और इसी साल इस सीट पर उपचुनाव कराए गए, जहां बीजेपी कैंडिडेट निरहुआ ने सपा के धर्मेंद्र यादव को बुरी तरह से हरा कर आजमगढ़ की सीट अपने नाम कर ली। लेकिन आपको बता दे कि बसपा उम्मीदवार शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने भी कड़ी टक्कर दी थी, और यही गुड्डू जमाली सपा उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव की हार की वजह बने थे और निरहुआ जीत कर सांसद बने। और आज उसी आजमगढ़ में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, और फिर उसके बाद जिस तरह से योगी की पुलिस ने एक्शन लिया, कई लोगों को उसी वक्त उठाकर जेल में डाल दिया गया, जिससे ये पता चलता है कि योगी राज में पाकिस्तान प्रेमियों की कोई जगह नहीं है। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी के इस एक्शन पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और साथ ही इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।